दोस्तों बांग्लादेश ने दूसरा वनडे मुकाबला भी भारत से जीत लिया है और इस जीत के साथ ही बांग्लादेश ने सीरीज अपने नाम कर ली है। भारत की हार के बाद दिग्गजों ने सिलेक्टरों से पूछे कड़वे सवाल। दोस्तों पूरी खबर आखिर क्या है हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहे। चलिए बिना कोई समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दूसरा वनडे मुकाबला ढाका के शेर ए बांग्ला स्टेडियम में खेला गया। टॉस जीतकर बांग्लादेश ने बैटिंग करने का फैसला किया और भारत को 270 रनों का टारगेट दिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत की खराब शुरुआत रही, फिर श्रेयस अय्यर और अक्षर पटेल ने 100 रनों की पार्टनरशिप की, फिर वो भी आउट हो गए। उसके बाद सबको लग रहा था कि रोहित शर्मा बैटिंग करने नहीं आएंगे, लेकिन वो बैटिंग करने आए और 21 गेंदों में 50 रन ठोक दिए, तो भी भारत को जीत नहीं दिला पाए। रोहित शर्मा की इस डेडिकेशन को देखकर सभी क्रिकेट दिग्गज खुश हुए। गौतम गंभीर ने कहा कि रोहित शर्मा की दाद देनी होगी, उनका अंगूठा टूटने के बाद भी वो बैटिंग करने आए और भारत को जिताने की पूरी कोशिश की। भारत को संजू सैमसन को मौका देना चाहिए, वो एक अच्छे बैट्समैन है। सुनील गावस्कर ने कहा भारत की बैटिंग में बैलेंस की कमी है, उनको अपनी बैटिंग डेप्थ बढ़ानी होगी, जिसके लिए उन्हें ज्यादा ऑलराउंडर खिलाने होंगे। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स करके जरूर आपकी राय बताएं कि आप गौतम गंभीर और सुनील गावस्कर की बात से सहमत करते हो या नहीं।